This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. पंजाब के जिला खन्ना के थाना जुलका का एक गांव है मलकपुर कंबुआ इसी गांव में लाल सिंह अपने परिवार के साथ रहता था उसके परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा दो बेटे और एक बेटी थी बड़ा बेटा सोहनलाल खेती करने के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर कंबाइन मशीन से फसल काटने का काम करता था उससे छोटी सोनिया थी जो दसवीं तक पढ़ाई करके अब घर में रहती थी सबसे छोटा बेटा बलराम बारहवीं पास करके नौकरी की तलाश में था लाल सिंह के पास जो जमीन थी उसी में मेहनत करके जैसे तैसे तीनों बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बड़ा बेटा सोहन काम करने लगा तो उसे थोड़ी सी राहत मिली अचानक न जाने क्या हुआ लाल सिंह के ऊपर काफी कर्जा हो गया जिसकी वजह से उसे अपनी कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी जमीन बेचने के बाद लाल सिंह गुमसुम रहने लगा वह ना किसी से बात करता था और ना ही किसी के मामले में दखल अंदाजी करता था एक दिन वह ऐसे ही बिना कुछ बताए घर से निकला तो कभी लौट कर नहीं आया इस बात को तकरीबन पांच साल हो चुके थे तब से उसकी पत्नी बेचारी शकुंतला अपने पति के इंतजार में हमेशा दरवाजे की तरफ टकटकी बांधे देखा करती थी आज पांच साल के बाद उसका बेटा बलराम आज एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था उसकी बेटी सोनिया उसके लिए खाना बना रही थी माँ के पैर छूकर बलराम घर से निकल गया पांच जून 2015 की यह बात है इंटरव्यू देने के बाद वह शाम के सात बजे साढ़े सात बजे घर लौटा तो सोनिया जो उसकी छोटी बहन थी घर का खाना बना रही थी बैग रखकर बलराम मां के कमरे में पहुंचा तो वह वहां वह नहीं थी बाहर आकर उसने बहन से माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि शाम को कीर्तन करने की बात कहकर गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है बलराम को पता था कि माँ अक्सर कीर्तन पर जाया करती थी और देर रात को लौटती थी पिताजी के घर छोड़ के चले जाने के बाद माँ ने खुद को भजन कीर्तन में लगा दिया था माँ की चिंता छोड़कर उसने हाथ मुंह धोया तो बहन ने उसके लिए खाना परोस दिया खाना खाकर बलराम अपने कमरे में आराम करने चला गया दिन भर का थका होने के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई रात के लगभग एक बजे उसकी आंख खुली तो वह उठकर मां के कमरे में गया मां अभी भी वहां नहीं थी समय देखा रात के सवा एक बज रहे थे वह हड़बड़ाया कि मां अभी तक नहीं आई बलराम को चिंता हुई उसके मन में बुरे विचार आने लगे उसकी चिंता यह थी कि पिताजी की तरह कहीं मां भी तो उसे छोड़कर नहीं चली गई उसके बाद वो तुरंत अपनी छोटी बहन सोनिया के कमरे की तरफ जाता है और सोनिया को उठाते हुए कहता है कि माँ अभी तक लौट कर नहीं आई सोनिया तेजी के साथ उठती है और कहती है कि क्या माँ अभी तक नहीं आई वो बताता है कि रात के दो बज चुके हैं इस समय कौन सा मंदिर खुला होगा जहाँ माँ कीर्तन कर रही होगी तो बलराम यह कहते हुए रोने लग जाता है सोनिया भी घबरा कर उठती है और चिंतित होकर कहती है कि इस समय हम बलराम माँ को कहाँ ढूंढेंगे बात भी सही थी रात के दो बज रहे थे इतनी रात को वो कहाँ जाते लेकिन मां के बारे में पता तो करना ही था भाई बहन हिम्मत करके घर से बाहर निकले पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे दोनों मंदिर तक गए वहां खूब अंधेरा था गांव की हर गली में चक्कर लगाया कि शायद किसी के घर कथा कीर्तन हो रही हो लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं था सवेरा होने पर बलराम ने मंदिर जाकर पूछा तो पता चला कि शकुंतला तो कल मंदिर आई ही नहीं थी थोड़ी देर में शकुंतला के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई हर कोई अफसोस जता रहा था कि पांच साल पहले बच्चों का बाप गायब हो गया और आज पांच साल के बाद उनकी मां गायब हो गई गांव के कुछ लोग शकुंतला की तलाश में लग गए बलराम ने बड़े भाई सोहन को भी फोन करके मां के गायब होने की बात बता दी उस समय वह मध्य प्रदेश में कंबाइन मशीन लेकर फसल की कटाई कर रहा था छोटे भाई को सांत्वना देकर उसने कहा कि वह तुरंत आ रहा है अगले दिन दोपहर तो बाद सोहन घर पहुंचा तो कुछ रिश्तेदार एवं गांव वालों के साथ थाना जुल्का जाकर मां की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट कराई गई शकुंतला का फोटो लेकर पुलिस ने इश्तेहार शोरेगा कर सापी थानों बस अड्डों रेलवे स्टेशन और प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए साथ ही वायरलेस द्वारा उसकी हुलिया का भी सबको बता दिया गया दिन सप्ताह महीने बीतने लगे शकुंतला का कुछ पता नहीं चला धीरे धीरे साल बीत गया उसकी गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका सोनिया और सोहन ने तो संतोष कर लिया पर बलराम जो मां का चहेता भी था वह मां के गायब होने के रहस्य को जानना चाहता था इसलिए मार्च 2016 में उसने माँ की गुमशुदगी की एक चिट्ठी लिखी और खन्ना जाकर एस पी सिंह तेजा से मिला उसने उससे हाथ जोड़कर कहा सर मेरी माँ को ढूंढवा दीजिए जस्करन सिंह तेजा ने बलराम के निवेदन को गंभीरता से लिया और डीएसपी हरविंदर सिंह विर्क और डीएसपी हरवंत कौर को बलराम द्वारा दी गई चिट्ठी देकर सख्त आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा करें हरविंदर सिंह और हरवंत कौर ने शकुंतला का पता लगाने के लिए थाना जुल्का के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को नियुक्त किया उसकी मदद के लिए इंस्पेक्टर जगजीत सिंह को लगा दिया गया शकुंतला की गुमशुदगी की फाइल को निकालकर फिर से जांच शुरू हुई एक साल बीत चुका था पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को भी शकुंतला की गुमशुदगी का रहस्य पता करने को लगा दिया शकुंतला के दोनों बेटों बेटी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई सोहन उन दिनों मध्य प्रदेश में था उससे छोटा बेटा बलराम इंटरव्यू देने के लिए चंडीगढ़ गया था सिर्फ सोनिया ही घर पर थी पूछताछ में पुलिस ने देखा कि सोनिया बार बार बयान बदल रही है रणबीर सिंह ने यह बात डीएसपी हरवंत कौर को बताई तो उन्होंने कहा कि वह अपने मुखबिर सोनिया पर नजर रखने के लिए लगा दें साथ ही उसके बारे में पता पता करें मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि सोनिया के के गांव ही कुलविंदर से प्रेम संबंध थे जब से पुलिस दोबारा इस मामले की जांच कर रही है तब से वह काफी बेचैन और परेशान रहती है अक्सर वह गांव से बाहर खेतों में कुलविंदर से सलाह मशवरा करती दिखाई देती है रणवीर सिंह और जगजीत सिंह ने समय नाकवाते हुए एएसआई सुरजीत सिंह से कहा कि वह शकुंतला के घर जाकर उसके तीनों बच्चों सोहन बलराम और उस बेटी सोनिया नजदीकी रिश्तेदारों को थाने ले आए अगर वे थाने आने की वजह पूछे तो उन्हें बता दे कि शकुंतला का पता चल गया है सुरजीत सभी को थाने ले गए जैसे सरवीर सिंह ने सोचा था वैसा ही था सोनिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था उसके पैर कांप रहे थे उन्होंने बड़ी नाटकीय ढंग से कहा कि सोहन सिंह तुम्हारी मां का पता चल गया है मेरे अलावा तुम्हारी बहन सोनिया को भी पता है कि तुम्हारी मां कहां है इसलिए तुम तो उससे पूछ लो कि वह कहाँ है वरना मैं तो तुम्हारी मां से तुम्हें मिलवा ही दूंगा रणवीर की इस बात पर सोहन सिंह ने हैरानी से बहन की ओर देखा वह खुद हैरानी से रणवीर सिंह को देख रही थी उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था कांके पहले से ज्यादा कांप रही थी सोहन सिंह ने जब से यह पूछा कि क्या यह जानती है कि मां कहाँ है तो कांपती आवाज में वो बोली नहीं भैया मुझे नहीं पता कि मां कहाँ है उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सोनिया को मां के बारे में पता था तो उसने अब तक बताया क्यों नहीं रणवीर सिंह ने जब दोा डांट कर उससे पूछा तो उसने अपनी मां की लगभग ग्यारह महीने की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि उसने अपने प्रेमी कुलविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है उसके बाद उसने शकुंतला की गुमशुदगी के पीछे जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी सोनिया और कुलविंदर कभी साथ पढ़ा करते थे दसवीं पास करके सोनिया ने पढ़ाई छोड़ दी और दोनों अलग हो गए सालों बाद युवा होने पर जब उनकी मुलाकात हुई तो बचपन की यादें ताजा हो उठी युवा होने पर उनके शरीरों में जो बदलाव आया था वह काफी आकर्षक था दोनों ही खूबसूरत तो थे ही कुलविंदर का कसरती बदन भी काफी लुभावना था जिसके चलते ही दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बनते गए परिणाम स्वरूप दोनों गांव के बाहर खेतों में मिलने लगे जब इस बात की जानकारी शकुंतला को हुई तो वह परेशान हो उठी उसने कुलविंदर को देखा था वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी लेकिन वह नशा करता था इसके अलावा वह दूसरी जाति का भी था यही वजह थी कि शकुंतला ने बेटी को मर्यादा में रहने को कहा जबकि सोनिया पर तो कुलविंदर के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने मां की एक नहीं सुनी बल्कि वह खुश थी कि मां को उसके और कुलविंदर के प्यार के बारे में पता चल गया था उसके बाद वह कुलविंदर को घर बुलाने लगी अगर शकुंतला कुछ कहती तो वह कुलविंदर को लेकर अपने कमरे में चली जाती गायब होने से दो दिन पहले तीन जून दो को शकुंतला गांव में किसी के यहां गई थी मां के जाते ही सोनिया ने कुलविंदर को घर बुला लिया था अचानक शकुंतला आ गई और उसने सोनिया और कुलविंदर को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया कुलविंदर को डर के मारे भाग गया बेटी को शकुंतला ने खूब खरी खोटी सुनाई चुप रहने के बजाय सोनिया विद्रोह कर बैठी उसने मां को धमकाते हुए कहा कि सुन मां अगर मेरे और कुलविंदर के बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं फिर उसी दिन शाम को सोनिया ने कुलविंदर के साथ मिलकर मां को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली उसने यह योजना कुलविंदर को समझा दी पांच जून को सोनिया ने दोपहर का खाना बनाया और मां को खाने में नींद की गोलियां मिला दी खाना खाने की कुछ देर बाद शकुंतला गहरी नींद में सो गई सोनिया ने मां को हिला डुलाकर देखा जब देखा कि मां होश खो बैठी है तो उसने फोन करके कुलविंदर को बुला लिया कुलविंदर के आने पर सोनिया ने उसे फावड़ा देकर आंगन में गड्ढा खुदवाया और शकुंतला की गला दबाकर हत्या कर दी उसके बाद लाश को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी गई ऊपर से गोबर का लेप लगा दिया गया ताकि किसी को संदेह ना हो सारे के काम निपटा कर दोनों ने शिकुंतला के कमरे में उसी के बिस्तर पर इच्छा पूरी की उसके बाद क्या हुआ आप पढ़ ही चुके हैं सोनिया के अपराध स्वीकार करने के बाद शिकुंतला की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर सोनिया और कुलविंदर को दोषी बनाया गया सोनिया की निशानदेही पर मैजिस्ट्रेट बहादुर सिंह एसपी जसकरण सिंह तेजा डीएसपी हरविंदर सिंह विर्क हरवंत कौर थाना जुल्का के प्रभारी रणवीर सिंह एवं जगजीत सिंह सोहन बलराम और गांव के अन्य सरपंचों की मौजूदगी में गड्ढा खोद कर शकुंतला की नाश निकाली गई जो कि कंकाल बन चुकी थी नाश का पंचनामा तैयार करके फोरेंसिक लैब भेजा गया उसके बाद सोनिया को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया और पुलिस रिमांड पर ले लिया गया जबकि कुलविंदर तब तक फरार हो चुका था इसलिए रिमांड खत्म होने पर सोनिया